हरियाणा रोडवेज नूह डिपो की बस एक स्कॉर्पियो कार और एक होंडा की कार के बीच में एक्सीडेंट हो गया है। हरियाणा रोडवेज की ये बस नूह से चंडीगढ़ मार्ग पर चलती है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस हादसे में किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। हरियाणा रोडवेज की बस के ड्राइवर का कहना है कि अगली कार वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिए, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की बस ने भी एकदम से ब्रेक लगाई। एकदम ब्रेक लगने की स्थिति में हरियाणा रोडवेज की बस थोड़ी सी कार से टकरा गई। इस मामले में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर का कहना है कि उसकी स्पीड मात्र 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी। वहीं स्कॉर्पियो वाले ड्राइवर का कहना है कि हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर से ब्रेक नहीं लगे, जिसके कारण उसकी बस सीधे उसकी कार से टकरा गई। जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉर्पियो वाली कार से आगे एक और कार चल रही थी, जिसने एकदम से ब्रेक लगा दिए थे, जिसके चलते स्कॉर्पियो वाले ड्राइवर ने भी एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए। इस हादसे में हर कोई एक दूसरे की गलती निकाल रहा है, वहीं हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर कार वाले की गलती निकाल रहा है। वहीं एक बाइक सवार का कहना है कि हरियाणा रोडवेज की बस की स्पीड 40 से ज़्यादा थी। हरियाणा रोडवेज की इस बस का नंबर है HR 74B 9680। इस गाड़ी का नंबर है HR 05N 6500। हादसे के थोड़ी देर बाद 112 नंबर गाड़ी मौके पर आ गई और अभी फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। तो हमें तो इस मामले में नहीं पता किसकी गलती है किसकी नहीं है। अगर आपका इस मामले में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।